हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास फिर से वही बाइक है, अपाचे आरटीआर 180। और आज के वीडियो में करेंगे इसका हाइलाइट टेस्ट, वो भी हाईवे पे। आप देख सकते हो अभी मैं हाईवे के ऊपर हूँ। ये काफ़ी सारा है यहाँ पे भाई, गाड़ियाँ वगैरह आ रही है जा रही है। और ये देख सकते हो भाई, हाईवे पूरा ही है। और हाईवे पे इसकी हेडलाइट कैसे क्या परफॉर्मेंस दे पाती है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो भाई तक देख लेना ताकि अपाचे आरटीआर 180 के हेडलाइट से लेके कोई भी कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको इस टाइप के बाइक के वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। और बाकी इस बाइक का कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो मैं बना दूंगा। तो शुरुआत करते हैं भाई वीडियो की। और सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे मीटर के अंदर, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है भाई ये लो बीम के ऊपर और ये इसकी हेडलाइट है भाई हाईवे के ऊपर। थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ एक बार में। हाँ, अब आप देख सकते हो तो ये कुछ इसकी हेडलाइट है भाई। इधर से थोड़ा पीछे से लेना पड़ेगा भाई, अच्छे से फोकस नहीं कर रहा। हाँ, आप देख सकते हो आप, तो ये भाई इसकी हेडलाइट है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा उजाला आपको देखने को मिल जाता है और सेम यहाँ पर नीचे भी आपको इस जगह पर भी उजाला देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करके दिखाऊँ इसकी लाइट को, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा इसकी लाइट कैसे क्या काम कर रही है। ये आप देख सकते हो यहाँ बीच बीच में यहाँ पे और भी गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, तो उनके हेडलाइट से भी थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेना। जैसा कि अभी ये बस जा रही है तो देखना आप यहाँ पे लाइट में कितना क्या फ़र्क आता है। इसने तो पूरा भाई खत्म ही कर दिया, अभी कोई भी साधन नहीं आ रहा पीछे से, देख सकते हो। और ये इसकी प्रॉपर हेडलाइट है, तो लो बीम तो काफ़ी सही है भाई, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। एक बार थोड़ा सा फ्लैश को मैंने ऑफ कर दिया और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये प्रॉपर यहाँ पे इसका लो बीम काम कर रहा है। इंडिकेटर मैंने दे रखा है ताकि भाई पिक्चर्स को उड़ा के नहीं चला जाए। तो ये लाइट है भाई इसकी, यहाँ पे उजाला देखने को मिल जाता है, यहाँ पे उजाला देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी लाइट अपन कह सकते हैं कि हाँ, हाईवे पर भी इसकी जो लाइट है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। अब एक बार इसका भाई हाई बीम भी ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने अभी हाई बीम ऑन कर दिया है मीटर में, एक बार आप देख लो, ये हाई बीम कर दिया मैंने ऑन। तो अब यहाँ पे ये इसकी हाई बीम की लाइट है और काफ़ी आगे तक जा रही है, ये देख सकते हो आप, काफ़ी आगे तक इसकी हेडलाइट जा रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितना भी मैं इस बाइक को चला के लेके आया हूँ, 70-80 की स्पीड तक अगर अपन चलते हैं तो इसकी हेडलाइट भाई इनफ है। आप हाईवे पे 70-80 की स्पीड तक रात को भी इसकी हेडलाइट के भरोसे चल सकते हो। लेकिन अगर आप हाई स्पीड में चलते हो, मान लो कि आपको 80 के बाद 100 तक चलना है, 110 तक चलना है, तो यार वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बाकी इसकी लाइट सही है, 70-80 की स्पीड में आप हाईवे पे चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, ये अदर बाइक जा रही है, ये बाइक जा रही है, इसकी लाइट देखो आप, इसकी लाइट, ये छोटी वाली बाइक की लाइट तो इसके अंदर गायब हो गई। तो लाइट तो काफ़ी सही है भाई यहाँ पर, और हेलोजन हेडलाइट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इसकी हेडलाइट से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा लुक भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो DRL इसके नाइट का जो लुकिंग है, ये देखो आप कितना शानदार लुक निकल के आता है भाई यहाँ पे। तो लुकिंग भी काफ़ी अच्छी है भाई यहाँ पे इस बाइक की हेडलाइट की। तो यार यही था इस बाइक का TVS अपाचे RTR 180 का हेडलाइट टेस्ट ऑन हाईवे। बाकी कमेंट करके बताना भाई कि कैसी लगी इस बाइक की हेडलाइट, मेरे को तो सही लग रही है भाई। और देखते भाई इसके अंदर LED कब आती है, फिलहाल इस लाइट से भी काम चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यार इसकी लाइट ख़राब है, काफ़ी अच्छी लाइट है, देख सकते हो हाई बीम लो बीम एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, तो काफ़ी सही लाइट है भाई। बाकी आपको इस बाइक की हेडलाइट कैसी लगी और आपको ये बाइक कैसी क्या लगती है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ये देख सकते हो भाई नाइट के टाइम में तो बिल्कुल ही अलग से लुकिंग निकल के आ रही है इस RTR 180 की। तो कमेंट करके बताना ये बाइक आपको कैसी लगती है और ये हेडलाइट आपको कैसी क्या लगी। और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसे ही बाइक के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। बाकी इस बाइक का अपाचे RTR 180 का आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा वीडियो आप इस बाइक का और देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आ रही है। और अगर कुछ बात करनी है डिटेल से किसी बाइक के बारे में, अपाचे RTR 180 160 या फिर किसी भी बाइक के बारे में कोई भी बात करनी है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।